हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जितने भी SBI यूजर्स हैं, यानी कि जिनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, कृपया करके आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको आपके खाते से रिलेटेड दो सिक्योरिटी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपको अभी के अभी कर लेना है। इससे आपका खाता काफी हद तक सेफ और सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि आए दिन आप सुनते होंगे कि इनका बैंक बैलेंस खाली हो गया, उस हैकर्स ने यहाँ पर इनका खाता खाली कर दिया बस छोटी सी गलती की वजह से। बट अभी जो मैं आपको सिक्योरिटी सेटिंग करने के लिए बताऊंगा, इसको अगर आप इनेबल कर लेते हो ना, तो भाई यकीन मानो आपका खाता बहुत हद तक सेफ और सिक्योर हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको योनो लाइट SBI एप्लीकेशन में दो सिक्योरिटी सेटिंग करने के लिए बताऊंगा। सो जितने भी SBI यूजर्स हैं, वो लोग इस सेटिंग को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको दो बेनिफिट होगा। एक तो आपका खाता सेफ और सिक्योर हो जाएगा, और दूसरा आपको OTP ना आने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कोई भी काम करते हैं यूनो लाइट या फिर यूनो SBI वगैरह में, तो आपको OTP नहीं आती है, और आप बार बार मुझे कमेंट करते हो कि OTP नहीं आ रही है। बट अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए इन दोनों सेटिंग को आपको अभी के अभी एक्टिवेट कर लेना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में योनो SBI लाइट एप्लीकेशन में लॉग इन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोफाइल मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको लास्ट में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक्टिवेट सिक्योर OTP और हाई सिक्योरिटी ऑप्शंस। एक्चुअली में दोनों एक ही हैं, बट कुछ अंतर है, डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवेट सिक्योर OTP, ये क्या होता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपने जो प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा, और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लीज इंश्योर यू हैव रिसीव्ड द एक्टिवेशन कोड आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड रजिस्टरिंग द ऐप ऑन योर मोबाइल फोन। आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर सिक्योर OTP, काइंडली रजिस्टर फॉर स्टेट बैंक सिक्योर OTP थ्रू SBI सिक्योर OTP ऐप। यू कैन डाउनलोड द SBI सिक्योर OTP थ्रू योर मोबाइल फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। तो मतलब कि हम अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं तब आप इस एप्लीकेशन का नाम है सिक्योर OTP, ओके। आपको प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है सिक्योर OTP, तो आपको मिल जाएगा, और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, और वहां पर आपसे आपके अकाउंट का इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, आप डाल देना। इससे होगा क्या कि आपका खाता तो सेफ रहेगा ही रहेगा, प्लस पॉइंट ये है कि आप जो भी कुछ करोगे, हर एक जगह पर आपकी जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं आएगी, बल्कि उसी सिक्योर OTP वाले एप्लीकेशन में आ जाएगी, और वहां से आपको उस OTP को कलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कि OTP अगर आप चाहते हैं कि हमेशा मुझे आए, तो आप सिक्योर OTP एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आपको भी रजिस्टर्ड नहीं बताया जा रहा है, तो आप अपने होम ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिए और वहां पर से एक्टिवेट करवाइए, ओके। तो ये रहा एक ऑप्शन जो कि आपको कर लेनी है। और दूसरी सेटिंग जो है वो है हाई सिक्योरिटी ऑप्शन, इस पर क्लिक आपको करना है, और यहाँ पर भी आपको प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके सबमिट पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर इस तरह का पेज आएगा, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करेंट मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन थ्रू OTP SMS, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन होगा, स्टेट बैंक सिक्योर OTP मोबाइल ऐप, जो कि मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए बताया, और दूसरा ऑप्शन है SMS का। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर SMS का ऑप्शन है सेलेक्ट किया हुआ, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमेशा OTP आएगी, ठीक है, सिक्योर OTP। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक सिक्योर OTP को सेलेक्ट करते हैं, तो यहां पर आपको एक्टिवेट सिक्योर OTP पर पहले क्लिक करना होगा, और यहां पर देखिए, प्लीज इंश्योर यू हैव रिसीव्ड द एक्टिवेशन कोड आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड रजिस्टरिंग द ऐप ऑन योर मोबाइल फोन। यानी कि जब आप इस सिक्योर OTP वाले ऐप को इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर में जाकर के, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं प्ले स्टोर ओपन करके, देखिए ये रहा, और यहां पर आप सर्च करोगे सिक्योर OTP, ठीक है,
सिक्योर ओटीपी आप सर्च करोगे तो देखिए एसबीआई सिक्योर ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो इससे होगा क्या कि आपको एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा और उस कोड को वहाँ पर सबमिट कर दोगे तो आपका जो अकाउंट है और भी काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगा और साथ ही ओटीपी आने की भी यानी कि ना आने की भी झंझट खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों सिक्योरिटी सेटिंग को आपको आज के आज अभी के अभी कर लेना है, इससे आप काफ़ी सेफ और सिक्योर रहोगे। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं स्क्रीन शॉट के साथ। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।